फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में, नेचुरल देसी मुर्गी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मेरे देसी चूजे कितने सारे हैं और कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए, ये अभी आज हुआ 1 तारीख, तो आज फरवरी हो गया है। तो जिन किसी ने भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और जिन भाइयों ने नए इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, मेरा मुर्गी दिखाता हूँ कि कितने सारे मेरे मुर्गी के चूजे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा देसी चूजा। तो हमने ये सब चूजा को अपने घर पे रखा था, क्योंकि इधर मेरा बाहरी घर है तो इधर पूरा खुला एरिया है, तो इधर थोड़ा ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस कारण हम अपने घर में ही रखे थे इन चूजे को। तो इनके अभी 6 से 7 दिन हो गए हैं इन चूजों के। तो चलिए, मैं आप लोग को नज़दीक से दिखाता हूँ कि मेरे चूजे कितने स्वस्थ हैं। तो देख पा रहे होंगे कि ये हमारे चूजे कितने स्वस्थ हैं, और ये मुर्गी के 10 चूजे हैं, और इधर भी है, उधर जा रही है। तो उस मुर्गी के भी 10 चूजे हैं, तो इनके हो गए कुल मिला के 20 चूजे हो गए हैं। और एक बैच भी उधर है, तो हमारे एक बैच के मुर्गी के चूजे गन्ने खेत में चल गए हैं। उनके 14 बच्चे हैं, पर वे उनके अभी 20-25 दिन वाले हैं। और इधर तो अभी आ गए हैं, देख पा रहे होंगे, ये साइज वाले भी हैं। और आप लोग को 2 दिन का चूजा दिखाता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा मात्र 2 दिन का चूजा है। पर फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि इन चूजे बहुत ही छोटे छोटे आकार के हैं, क्योंकि और इनमें से वाइट वाले देख रहे होंगे, तो ये चूजा का साइज बड़ा है। तो ये बड़ा छोटा कैसे हुआ, तो हम आप लोग को बता दें कि इन चूजे छोटे कैसे हुए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मुर्गी का साइज भी छोटा है, तो इस कारण से मुर्गियाँ भी छोटे अंडे देती है। तो आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी जिस मुर्गी से अंडा निकलवा के खुड़क से फिर चूजा निकलवाना चाहते हैं, तो आप लोग बड़े मुर्गी का ही चुनाव करें, और मुर्गा भी बड़ा हो, जिस वजह से आप लोग को बड़े बड़े चूजे भी निकल आएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक वाइट वाला चूजा है, तो वो दूसरे। तो हम बात कर रहे थे कि बड़ा चूजा कैसे निकालेंगे, तो आप लोग बड़ा साइज का ही चुनाव कीजिएगा, और जब भी आप लोग लाइएगा तो बड़े साइज वाली। तो चलिए, आप लोग को आकार भी दिखा देता हूँ कि कितने बड़े छोटे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये चूजा कितने एकदम एकदम छोटा सा साइज है, एकदम छोटा साइज। और इनको अगर आप लोग जब भी, और वैसे ये चूजे को तो आप लोग पीस में नहीं बेचोगे, क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो इसको आप लोग केजी में ही बेचोगे। तो इनको ज़्यादा वेट गेन करने में, यानी कि ज़्यादा वजन होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और भी चूजा दिखा देता हूँ, क्योंकि एकदम से छोटे साइज के हैं। और ये आज इन चूजा का 2रा दिन हो गया आप लोग, पर स्वस्थ है चूजा, इसमें कोई बीमारी नहीं है, और इनमें कोई वैक्सीन वगैरह नहीं दिया हूँ। और एक दिखाता हूँ, वाइट वाला जो था, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका साइज बड़ा है, क्योंकि ये दूसरे मुर्गी के अंडे से निकला है, पर यही मुर्गी के खुड़क में हमने डाला था अंडा। और इसका साइज देख सकते हो, तो आप लोग अभी अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हो कि वाइट वाला बड़ा है और ब्लैक वाला छोटा है। तो आप लोग जब भी खुड़क वाली मुर्गी पालन करोगे, तो आप लोग हमेशा बड़े साइज वाला का ही मुर्गी रखें। तो चलिए, आप लोग को और भी दिखाता हूँ। तो और जैसे कि अभी ठंड पड़ रही है, तो मुर्गी अपने चूजे को किस तरह से केयर करती है, तो इस वजह से अलग से कोई जुगाड़ वगैरह, कोई लाइटिंग वगैरह का दिक्कत नहीं होती है। तो यही होता है देसी मुर्गी पालन में। और आगे हम बताते चले कि रात में हम किस प्रकार से अपने चूजे को रखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे टोकरी है, तो यहाँ पे 2 टोकरी हमने रख दिया है। इसमें तो अभी पुआल नहीं है, और इसमें पुआल रखे हुए हैं। तो इस पुआल में, इस टोकरी में पुआल रख देते हैं, उसके बाद बोरी से, इस तरीके से बोरी को आप लोग को लेना है,
क्योंकि ये बोरी भी बड़े साइज की होती है, इस तरीका से रखना है। यहाँ चूजा को रख देना है और मुर्गी को भी साथ में, उसके बाद ऊपर से इसे ढक देना है तो मुर्गियाँ को ठंड नहीं लगेगी। तो हम इसी प्रकार से रखते हैं अपने देसी चूजे को, वो साइज वाले को। तो आप लोग को अलग से लाइटिंग वगैरह का जुगाड़ करना नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम अगला वीडियो जब से दे देसी मुर्गी से रिलेटेड तो आपके यहाँ जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।